एक रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण प्रशांत में एक रहस्यमय द्वीप है जहां पूरी आबादी महिलाओं की है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। यह भी माना जाता है कि उन महिलाओं के पास एक बीज है जिसके कारण उनकी उम्र सामान्य मनुष्यों की तुलना में 10 गुना धीरे होती है। इसलिए बहुत से लोग उस द्वीप का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है मिस्टर सोंग, जो अमर होना चाहता है और इसीलिए वो उस आइलैंड की खोज के लिए अपने विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं को भेज रहा है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो एक न्यूज रिपोर्ट में मिस्टर सोंग के बारे में सुन रहा है कि मिस्टर सोंग ने एक बार फिर से वर्जिन आइलैंड की खोज के मिशन के लिए एक बड़ी राशि का ऐलान किया है। न्यूज में उस आइलैंड के बारे में बताया जा रहा है कि मिस्टर सोंग के इस मिशन में भाग लेने के लिए कोई भी खोजकर्ता नहीं बचा है और आज दिन तक सिर्फ एक ही आदमी ने उस आइलैंड पर कदम रखा है, जिसका नाम ली है, जो कि एक प्रसिद्ध खोजकर्ता है। ली और कोई नहीं बल्कि वांग के पिता हैं, लेकिन वह द्वीप से कभी वापस नहीं लौटे और दुनिया या अपने बेटे के लिए कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। और उसके बारे में यह अफवाह है कि वह उस द्वीप पर सुंदर महिलाओं से आकर्षित हो गया था, इसीलिए उसने वहां रहने का फैसला किया। वांग अपने पिता को ढूंढना चाहता है और इसीलिए उसने मिस्टर सोंग के इस मिशन में भाग लेने का फैसला किया और जहाज पर चढ़ने के लिए किनारे पर चला गया। वहां उसकी मुलाकात ह्यून वू से होती है, जो काफी अच्छा नाविक होने का दावा करता है क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी सील से डिग्री ली है। थोड़ी देर बाद वांग और ह्यून जहाज पर चढ़ते हैं और रवाना होने ही वाले होते हैं कि तभी मिस्टर सोंग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक GPS ट्रैकर देता है। थोड़ी देर के बाद दोनों फाइनली समंदर में जाते हैं और अपने मिशन को शुरू करते हैं। शुरू में वे मिशन के बारे में काफी मोटिवेट होते हैं, लेकिन 2 महीने तक सिर्फ समंदर में भटकने के बाद वो दोनों निराश हो जाते हैं और इस समय तक उनकी खाने पीने की चीजें भी समाप्त हो गई थी। इसीलिए वे प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द किसी आइलैंड पर पहुंच जाएं। एक दिन जब वो दोनों उनके दिए गए GPS की शिकायत कर रहे थे क्योंकि वो GPS काम नहीं कर रहा था, कि तभी वो उनके ऊपर पक्षियों के झुंड को उड़ता हुआ देखते हैं। वांग, जो अपने पीठ के बल लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर कुछ गिरता है और जब वो उसे सूंघता है तो उसे पता चलता है कि ये उन पक्षियों की पोटी है और इससे उसे यकीन होता है कि वो लोग एक आइलैंड के पास हैं। और जब वांग अपनी दूरबीन से देखता है तो ह्यून को बताता है कि उनके सामने एक आइलैंड है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर लहरें काफी तेज होती है, जिस वजह से वो उनके जहाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं और इसीलिए उन्हें उस आइलैंड पर तैर कर जाना पड़ता है। अगले सीन में जब वो दोनों किनारे पर उठते हैं तो उन्हें अपने चारों ओर महिलाओं की एक सेना दिखाई देती है। वांग पूछता है कि क्या वो दोनों वर्जिन आइलैंड पर है, लेकिन वो महिलाएं उन दोनों को बस घूरती रहती है। बाद में उन दोनों को पूछताछ के लिए उनके शिविर में लाया गया। हमेशा की तरह यून ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पिटाई हो जाती है और इस घटना की वजह से उन दोनों को लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। फिर उन दोनों को उन महिलाओं के लीडर पेट्रियार के सामने पेश किया जाता है और वो उनसे कहती है कि पिछले 500 सालों में सिर्फ कुछ ही खोजकर्ता उनके इस आइलैंड तक पहुंच पाए हैं। और ये सुनकर ह्यून को विश्वास नहीं होता है कि वो महिलाएं इतने लंबे समय से वहां पर रह रही है और वो मजाक में उनसे पूछता है कि क्या वो सभी अमर है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। और जब वो सभी महिलाएं उन्हें उस पिंजरे में छोड़कर चली जाती है तो वांग उसकी जेब में से एक चाकू निकालता है और फिर रात को वो दोनों उनके पिंजरे को उस चाकू की मदद से काट देते हैं। इसके बाद वांग किसी सुराग के लिए जनजाति की जांच करने का फैसला करता है, जबकि ह्यून द्वीप से बचने के तरीके खोजने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में ह्यून को जंगल की ओर किसी रास्ते की खोज में बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि वांग महिलाओं के गांव में आता है और एक झोपड़ी में प्रवेश करता है। इधर ह्यून को पता चलता है कि उन महिलाओं ने पूरे जंगल में जाल बिछा रखे हैं और ह्यून सबसे पहले नीचे एक खरगोश के छेद में गिर जाता है और फिर उसके पीठ पर लकड़ी का एक तीर आकर लगता है और अगले ही पल उसके सिर पर काफी सारे नारियल गिरते हैं। इसी बीच हम म्यू यान को देखते हैं, जो कि उस कबीले की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़की है, जो अपनी छोटी बहन मोन के साथ उसी झोपड़ी में जाती है जहाँ पर वोंग पहले से मौजूद है। हैरानी की बात है कि ये झोपड़ियाँ इन लोगों के लिए नहाने की जगह है। जब म्यू यान अपने कपड़े उतार कर नहाने की तैयारी करने लगती है तब वांग कोशिश करता है कि वो चुपके से कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन बदकिस्मती से म्यू यान की छोटी बहन उसे देख लेती है और उसे वहां से जाने नहीं देती। और जब वांग उस छोटी लड़की को एक चॉकलेट की रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की चिल्लाने लगती है और उस कबीले की सारी महिलाएं सतर्क हो जाती है। फिर डरा हुआ वांग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और वो महिलाएं भाला लेकर उसका पीछा करती है। वो उन महिलाओं को डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ लिया जाता है। फिर उस कबीले के लीडर वांग को बताती है कि जेल को तोड़ना उनके लिए पाप है और कबीले पर हमला करने की कोशिश के लिए वांग को मौत की सजा सुनाई जाती है। तभी ह्यून, जो कि घायल हालत में है लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचता है, वह कबीले को धमकी देता है कि वह एक पूर्व सैनिक है जो युद्ध कौशल जानता है।
लेकिन महिलाएं उसके झूठ को पकड़ लेती है और एक बार फिर से उसकी पिटाई हो जाती है। कबीले का मानना है कि जब उनकी महिलाएं नहाने गई थी तो वांग उन्हें बिना कपड़ों के देखने गया था और इसीलिए वो वांग और उसके दोस्त को फांसी देने की मांग करती है। लेकिन उन दोनों को मारने से पहले उन महिलाओं की लीडर यह जानना चाहती है कि वो दोनों उनके आइलैंड पर क्यों आए थे। वांग ने जवाब दिया कि वह अपने पिता की तलाश में है जो 10 साल पहले द्वीप पर आया था। ये सुनकर उनके लीडर ने खुलासा किया कि वह वांग के पिता से मिली थी और वो भी उसकी तलाश कर रही है और अगर वांग का पिता उसे दोबारा दिख गया तो वो उसे मार डालेगी। इतना कहकर वह अपनी महिलाओं को अपराधियों को उनके पवित्र पेड़ पर ले जाने और वहां उन्हें पकाने का आदेश देती है। उन महिलाओं से विनती करता है कि वह वो नहीं था जिसने म्यू यान को ऐसी हालत में देखा था और वो महिलाओं से उसे रिहा करने के लिए कहता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद महिलाएं उन दोनों को पकाने की तैयारी करती है जबकि लड़कों को बांध कर दो विशाल बैरल में अलग अलग रख दिया जाता है। ह्यून को डर है कि वो महिलाएं उन्हें पकाकर खाने वाली है और तभी उनके पास म्यू यान आती है। वह वांग पर जासूसी करने के लिए उसे फटकार लगाती है और कहती है कि क्योंकि उसने उसे बिना कपड़ों के देखा है इसी वजह से वो वांग को मार डालना चाहती है। हालांकि जब ऐसा लगता है कि वो चाकू से उन्हें मारने वाली है कि तभी वो उनकी रस्सियां काट देती है और उन दोनों के भागने से पहले म्यू यान उनसे कहती है कि वो वांग से नफरत करती है लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं चाहती कि वो उसकी वजह से मारे जाएं। फिर वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से फिर से जाल में फंस जाते हैं। अगली सुबह वांग और ह्यून को एक बार फिर पकड़ लिया जाता है और पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है और फिर महिलाएं उन दोनों को पकाने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके कबीले की एक लड़की समंदर में डूब गई है और जब वो सभी महिलाएं किनारे की ओर भागती है तभी मौका देखकर वांग और ह्यून वहां जल रही आग की मदद से उनकी रस्सी को जला देते हैं और भाग जाते हैं। और भागते समय उन्हें एहसास होता है कि उस पवित्र पेड़ में भी आग लग गई है और दूसरी तरफ सभी महिलाएं डर के मारे चिल्ला रही है क्योंकि उनकी साथी समंदर में डूब रही है। इधर जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी वांग का मन बदल जाता है और चाहे वो कबीले वाले थोड़ी देर पहले उसे और उसके दोस्त को मारने वाले थे लेकिन फिर भी वो उस डूबती हुई लड़की को बचाने का फैसला करता है। फिर वांग किनारे पर जाता है और उस लड़की को डूबने से बचा लेता है और जैसे ही वांग उस लड़की को किनारे पर लाता है तभी ह्यून उस लड़की को बचाने के लिए उसे CPR देने लग जाता है और फाइनली उस लड़की की जान बच जाती है और महिलाएं लड़कों की बहादुरी की तारीफ करती है। बाद में वांग और ह्यून को एक बार फिर पेट्रियार्क के सामने लाया जाता है। फिर वो लड़की अपनी लीडर से कहती है कि क्योंकि उन लड़कों ने उसकी जान बचाई है इसीलिए उन्हें उन दोनों को माफ कर देना चाहिए और यहाँ पर वो लड़की ह्यून को पसंद करने लगी है। लीडर भी उन दोनों को क्षमा करने के बारे में सोचती है लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पवित्र पेड़ जलकर राख हो चुका है और जब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे उन दोनों लड़कों का हाथ है तो उनकी लीडर फिर से उन दोनों को दंड देने का फैसला करती है। हालांकि म्यू यान और वो दूसरी लड़की सुझाव देती है कि उन्हें उन लड़कों को आखिरी मौका देना चाहिए और फिर पेट्रियार्क उन दोनों लड़कों को उनके पवित्र पेड़ को फिर से ठीक करने के लिए 3 महीने का समय देती है और अगर उनका पेड़ वापस फलता फूलता नहीं है तो उन दोनों को बेरहमी से मार दिया जाएगा। अगले दिन वांग और ह्यून पेड़ से चारकोल पॉलिश करने और उसे पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है लड़के महिलाओं के करीब होते जाते हैं क्योंकि वे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मदद करते हैं। अपने आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के साथ वांग और ह्यून बड़ी मछली पकड़ते हैं और उन्हें सब्जियां उगाना भी सिखाते हैं। इस दौरान वो दूसरी लड़की ह्यून का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है और ह्यून भी उस लड़की के लिए रोज फूल लाता है। एक दिन जब वांग अपने GPS पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी उसे म्यू यान के पीछे एक वाइपर सांप दिखाई देता है और वो तुरंत म्यू यान को उस सांप से बचा लेता है और वो दोनों एक रोमांटिक पोज में दिखते हैं। फिर म्यू यान वांग को बताती है कि वो उसका पालतू सांप है। अगले दिन वांग और ह्यून उस पवित्र पेड़ को फिर से अंकुरित होता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर रात को वो सभी महिलाएं और वांग और ह्यून भी जश्न मनाते हैं और डांस करते हैं और तभी वांग म्यू यान को शांति से नाचते हुए देखता है और वांग सोचता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। और फिर वांग म्यू यान और उसके कबीले की रक्षा करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद म्यू यान वांग के पास आती है और वो उसे अपने कबीले के इतिहास के बारे में बताती है। वह बताती है कि बहुत समय पहले एक सर्व महिला जनजाति थी जिसे डायन जनजाति के रूप में जाना जाता था और ये डायन जनजाति प्रकृति के सबसे करीब रहने वाली जनजाति थी जिनका काम उनके पास मौजूद युआन बीज की रक्षा करना था और उनका मेन काम यही था कि उन्हें प्रकृति और मनुष्य जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना था। हालांकि जैसे जैसे मानव बस्तियों का विकास हुआ और जो लोग पृथ्वी पर आए उनकी मृत्यु भी हुई और एक दिन उन्हें उस युआन बीज के बारे में भी पता चला और इस चक्कर में काफी सारे लोगों ने डायन जनजाति पर उस बीज को पाने के लालच में हमला भी किया
और बीच की रक्षा के लिए कबीले के मुखिया ने उस बीच को उनके कबीले की सबसे छोटी लड़की को दिया और उसे जहाँ तक संभव हो सके वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। उस लड़की ने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा, लेकिन जैसा कि बताया गया वह वहाँ से भाग निकली। लंबे समय के बाद वह एक सुनसान द्वीप पर उठी और उसने देखा कि वह जो बीज लेकर आई थी वह चारों ओर अंकुरित होने लगा था। सुनसान द्वीप धीरे धीरे जीवन से भर गया। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई और एक नई युवान बीज की रक्षा जारी रखने के लिए द्वीप पर डायन कबीला फला फूला। म्यूयान तब बताती है कि वो लड़की और कोई नहीं उनके कबीले के लीडर पेट्रियार्क ही है। अगली सुबह वह वांग को उस स्थान पर ले जाती है जहां उसने आखिरी बार उसके पिता को देखा था। वहां पर वांग को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है जहां उन्होंने डायन कबीले के साथ अपने समय के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि इस आइलैंड पर उन्हें प्यार, सद्भाव, दया, सादगी और जीवन के प्रति श्रद्धा के बारे में पता चला और वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लालची लोग इस आइलैंड को खोजें, इसीलिए उन्होंने कभी वापस रिपोर्ट ही नहीं की, यह उम्मीद करते हुए कि कबीले और उनके जीवन के रहस्य आधुनिक लोगों के लालच से दूर रहे। उसके बाद वांग को उसके पिता का आखिरी संदेश मिलता है जो यही आशा कर रहा था कि उनका बेटा उनके द्वारा लिए फैसलों को समझेगा। अगले सीन में वांग को समझ आ गया है कि उसे क्या करना है और वो जीपीएस ट्रैकर को नष्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाए उन्हें उस जीपीएस में से एक बीप सुनाई देती है और उन्हें पता चल जाता है कि यह अभी भी काम कर रहा है और उसी वक्त मिस्टर सोंग को उस आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। लड़के फिर पेट्रियार के पास भागते हैं और उसे तुरंत द्वीप को छोड़ने की चेतावनी देते हैं कि मिस्टर सोंग और उनके लोग उस बीज को पाने के लिए उनकी तरफ ही आ और फिर वो मिस्टर सोंग के लोगों को बहकाने, उन्हें फुसलाने और एक एक करके बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। जल्दी मिस्टर सोंग अपने लोगों के साथ आता है और अपने चार आदमियों को द्वीप की जांच करने का आदेश देता है। वो चारों लोग गांव में पहुंचते हैं, लेकिन सुंदर महिलाओं को उनका इंतजार करता देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो महिलाएं उन चारों को अपनी सुंदरता में फंसा कर उन्हें पकड़कर बांध देती है। अपने आदमियों के वापस रिपोर्ट नहीं करने के बाद मिस्टर सोंग खुद द्वीप पर आता है और निरीक्षण करना शुरू करता है। वांग और ह्यून गेट पर उसका स्वागत करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह वर्जिन आइलैंड नहीं है, लेकिन मिस्टर सोंग मूर्ख नहीं है, इसलिए वो अपने लोगों से वांग और ह्यून के साथ उन सभी महिलाओं को बांधने का आदेश देता है। फिर वो उनके लीडर को धमकाता है और उसे जीवन का रहस्य पूछता है ताकि वो उनकी तरह अमर हो सके। जब वो मना करती है तो मिस्टर सांग मून को जान से मारने की धमकी देता है और फिर महिलाएं बेमन से मिस्टर सोंग और उसके लोगों को उस जगह पर ले जाती है जहां उन्होंने युआन बीच को छिपाया है। और तभी रास्ते में जाते वक्त वही लड़की उनके एक आदमी को मार देती है जिससे ह्यून ने बचाया था और फिर सभी महिलाएं भी उन पर हमला कर देती है। इसी बीच मिस्टर सोंग वांग को लेकर वहां से भाग जाता है और उसे टाइम बॉम्ब पहना देता है और फिर वह डायन कबीले के रहस्य को नहीं बताने पर उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने की धमकी देता है। तभी ह्यून महिलाओं के साथ वहां पर पहुंचता है और मिस्टर सोंग को पकड़ लेता है, लेकिन मिस्टर सोंग तब तक उस बॉम्ब का बटन दबा चुका था और बॉम्ब पर 30 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था तब वांग को रियलाइज होता है कि उन सभी लोगों को बचाने के लिए उसे ही बलिदान देना होगा और वह अकेला ही समंदर की ओर दौड़ता है। दौड़ते समय वांग के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और महिलाओं के कबीले के साथ समय बिताने के बाद उसे समझ आ गया है कि उनका मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन की रक्षा करना है। और उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि उसके पिता ने भी इसीलिए उनकी कुर्बानी दी थी। जल्द ही समुद्र में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर म्यूयान जोर से चिल्लाती है और वहां मौजूद सभी लोग वांग के बलिदान देने पर रोने लगते हैं और तभी सीन कट हो जाता है। फिर बाद में हम वांग को फिर से जागते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि आइलैंड के जादू ने वांग को उसके निस्वार्थ बलिदान के लिए फिर से जिंदा कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।